thanks to God, you are into this business, right? Yes, sir. Grow के साथ क्या हो पता है? सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में MSME को हुआ है, right? MSME का मतलब इस देश की जो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, आपको पता है हमारे देश की जीडीपी का 29% एमएसएमई इंडस्ट्री से आता है, 29%, और सबसे बड़ा नुकसान उसी को हो गया इस देश के अंदर, राइट? आज के अंदर जो हालत जितनी बुरी, जो एमएसएमई इंडस्ट्री में, आपको पता है 10,60,000 करोड़ का कर्जा है लोगों के ऊपर, कितने का? 10,60,000 करोड़। वो सारे लोग जो छोटी मोटी फैक्ट्री खोले थे, जो दुकान चला रहे थे, कमाई तो छोड़ दो, एमएसएमई के ऊपर 10,60,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, कमाया कुछ नहीं, बैंक को ब्याज अलग भरोगे, और भारत सरकार बोल रही है ये लोन चुकाने के लिए और लोन लो बेटा और ब्याज भरो। गवर्नमेंट भी गलत नहीं है, पैसा क्या पेड़ पे पैदा होते हैं? लोग बोलते थे अरे ये बिजनेस ऐसा है, वो बिजनेस वैसा है, अब दुनिया को समझ में आएगा ये बिजनेस क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट सर? यस सर। अब आप ये सुनिए, एमएसएमई को जो टोटल एमएसएमई में तकरीबन 12 करोड़ जॉब आज जो इंडिया के एमएसएमई इंडस्ट्री है, 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई की वजह से है। अब उसमें से जो 13 करोड़ जॉब आपने सुना है ना, मैं उसको बाई फॉरगेट कर दे रहा हूं, ताकि आप हर इंडस्ट्री वाले जिसको आप पहचानते हो उससे बंदूक लेके माय लाइफ कभी चालू हो जाओ, पीछे लग जाओ उसके। 12 करोड़ लोग को एमएसएमई इंडस्ट्री में जॉब मिला है पूरे देश के अंदर, जिसमें से 2.2 से लेकर 5.1 करोड़ लोग का जॉब जाने वाला है, 50% कट। हमारी जीडीपी का 29% एमएसएमई है, तो भारत की जीडीपी क्यों नहीं घुसेगी? घुसेगी नहीं घुसेगी? 100% घुसेगी, राइट? इसी तरीके से एमएसएमई के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हुआ है, होटल, फ्लाइट्स, टूरिस्ट स्पॉट सब बंद हो गए, राइट? आज जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसमें तकरीबन 4.25 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है पूरे देश के अंदर, और उन 4.25 करोड़ लोगों में से आप सुन के हिल जाओगे, 3.1 करोड़ जॉब्स आर इन रिस्क, मतलब 75% लोग, उसमें वेटर भी आ रहा है, उसमें कुक आपका मैनेजर भी आ रहा है, उसमें हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, राइट? हमारी देश की जीडीपी का 9.2% टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी से आता है, राइट? एविएशन सेक्टर में 30-40% नौकरियां गई हैं। मैं आपको लूजर्स की बात बता रहा हूं पहले, यानी जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, भारत की नहीं पूरे दुनिया की, भारत में 30-40% जॉब कट, यानी कि 100 लोग नौकरी पे थे, चाहे वो स्पाइस जेट हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशन थे, राइट? 30-40% जॉब आर कट, यानी हर 100 में 30-40 व्यक्ति सिस्टम से बाहर हो गए अभी, राइट? और हमारी जो जीडीपी है, राइट, एविएशन रियल एस्टेट में तकरीबन जो है 4.1 करोड़ जॉब्स, उसमें से तकरीबन आधे शट डाउन, यानी लेबर भी मरा, मजदूर भी मरा, आर्किटेक्ट भी मरा, सप्लायर भी मरा, सीमेंट को बेचने वाला भी मरा, सब मरे नीचे से लेके ऊपर तक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सूरत के हमारे सारे टॉप हमारे लीडर्स इस बात को आज के कमीशन को देख रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत की मेन इंडस्ट्री है, हीरा और ये डायमंड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टोटल एम्प्लॉयमेंट है 4.4 करोड़ इन इंडिया, और 1.4 करोड़ जॉब आर इफेक्टिव, हमारी जीडीपी का 9.4% हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है, राइट? रिटेल सेक्टर जो सबसे पावरफुल सेक्टर माना जाता था आज तक, रिटेल सेक्टर में 4.6 करोड़ जॉब्स हैं, और उसमें 1.1 करोड़ जॉब्स फिनिश, जो हमारी जीडीपी का 10% है। ये सबको जोड़ोगे तो कितना परसेंट जीडीपी का हो गया पता है आपको? 60-75% सब माइनस में आ गई हैं। तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए,
आने वाला दौर जो लोग नौकरियों पे हैं, आपके आप नहीं, हो सकता है इससे बहुत सारे लोग अभी एमएलए हमारे साथ माई लाइफ स्टाइल कर रहे हो और पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे, राइट? आप सब दिमाग में बिठा लीजिए, जितने आज आपके जितने भाई दोस्त रिश्तेदार, जितने जीजा साला नाना काका दादा, जितने लोग भी आपके जानने वाले हैं, उन सबको बताओ तेरे सर पे तलवार लटक रही है, कटने से पहले इसको स्टिंगर लाइफ में ले ले, वरना जिंदगी की जो बैंड बजेगी ना वो आप सोच भी नहीं सकते। द बिगेस्ट क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज अ मनी क्राइसिस। दुनिया में सारी प्रॉब्लम, 99% प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड इज स्टार्ट विथ मनी एंड एंड विथ एंड ऑन मनी। दुनिया की 99% प्रॉब्लम इस दुनिया की पैसे शुरू होती, पैसे जाके खत्म हो जाती है। तो उसको बता दो 99% सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास है, राइट? मैं ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ग्लोबल सर्वे बता रहा हूं, आपको पांव तले जमीन खिसक जाएगी। उनके अनुसार पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 7.5 बिलियन है, 750 करोड़ लोग पूरे दुनिया में है, राइट? आउट ऑफ 7.5 करोड़, यू वॉन्ट बिलीव 2.7 बिलियन पीपुल आर इफेक्टेड इन वर्ल्ड हु दे आर डूइंग जॉब, यानी 750 करोड़ लोगों में 300 करोड़ लोग का जॉब इफेक्टिव हुआ इस कोरोना की वजह से, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। और उसमें से तकरीबन 1 बिलियन को ड्रास्टिक इफेक्ट किया, यानी 100 करोड़ लोग पूरे विश्व के ऐसे हैं जो बहुत बुरी कंडीशन पे आ चुके हैं, 100 करोड़ लोग पूरे दुनिया में, राइट? बड़ा कॉलर खड़े कर बोलते, यार मैं तो MBA हूं, मैं तो CA हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। हम समझाते थे भैया बहुत कुछ हो, टेक दिस बिजनेस इन पार्ट टाइम। कभी जिंदगी में आज जो इतने करोड़ों लोग को जो कोरोना से लाखों लोग मरे हैं, उनको पता था कि कोरोना से मरने वाले हैं? किसी को पता था? नो सर, नहीं, किसी को नहीं पता था। मगर अगर उन्होंने एक अल्टरनेटिव साधन बनाया होता अपने परिवार के लिए, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन रखा होता, तो उनकी जिंदगी में एक डिफरेंट पैरामीटर पे अपनी लाइफ को लेकर गए होते। देखो, लोगों का आना और जाना ईश्वर के हाथ में, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। मैं एक चीज मानता हूं, जन्म मरण और वरण छोड़कर दुनिया की हर चीज इंसान के हाथ में है। जन्म मरण और वरण, आपका पैदा होना, आपका मरना और आपकी मैरिज, ये तीन चीजें मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करता हूं, ये गॉड के हाथ में है। एंड आउट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज आवर हैंड, आवर करियर, आवर प्रोफेशन, आवर डिसीजन, एवरीथिंग इन आवर हैंड, वो सब हम सब के हाथ में, राइट? अब आप समझ लीजिए कि अगर 100 करोड़ लोगों की नौकरियां पूरे दुनिया में जाएंगी, तो स्वर्णिम युग जो है, आप ये सब कि दुनिया का क्या होगा, देश का क्या होगा? भारत में 13 करोड़, पूरे दुनिया में 100 करोड़, यानी इस हमाम में सभी नंगे हो चुके हैं, सबकी हालत खराब है, राइट? आज जो जिस क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, हर कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं बची है जो इसके इफेक्ट से बची हो। आज के दिन कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। आपको बता दूं कि मैं बात करता हूं, आपके जितने दोस्त रिश्तेदार बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस की हालत क्या पता है? नौकरी वालों की नौकरियां गई हैं, बिजनेस वाले और बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि टाटा बिरला की दुकानें बंद हो गई हैं। जिसका जितना बड़ा कारोबार, उसका उसके ऊपर उतना बड़ा भार पड़ा है लाइफ का, बॉस, राइट? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग बिजनेस कर रहे, मेरे भाई साहब भी बनारस में बिजनेस करते हैं, 40 वोल्वो उनको, हमारे यहाँ 40 गाड़ियां हैं। मिश्रा जी को पता, हमारे राज भाई को पता, 40 गाड़ियां हैं, 40 गाड़ियों में बैंक का लोन है काफी में, 40 ड्राइवर हैं, खलासी हैं, इनकम जीरो, रिस्क और लाइबिलिटी एड ऑन। तकरीबन भाई साहब का खर्चा था, बैंक का लोन सब कुछ पकड़ के 60 लाख माइनस करो 2 महीना, 1 करोड़ 20 लाख इनकम जीरो, लाइबिलिटी चढ़ गई। ये तो भाई साहब का छोटा बिजनेस है।
जो लोग बड़े बड़े बिग शॉट थे।